खबरों की नई। भारत में 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का डोज पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर देश में स्वदेशी टीकाकरण अभियान चलाया गया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और जबरदस्त इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी एवं देश की जनता इसके लिए धन्यवाद देने का कार्यक्रम चला रही है। भारतवर्ष में कोविड का टीकाकरण 100 करोड़ लोगों को पहला और दूसरा डोज मिलाकर पड़ा, यह अभूतपूर्व कार्य हुआ। 6-7 महीने में 100 करोड़ लोगों को टीका देना असाधारण बात थी, लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह कार्य पूरा हुआ, इसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर धनबाद महानगर में आज कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह जन भावना के आदर करने का काम जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने, आभार व्यक्त करने के लिए यह कार्यक्रम है। कोविड की जब शुरुआत हुई 19 में और उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय, चाहे दवा का मामला हो, चाहे वैक्सीन के आविष्कार का मामला हो इस देश में, या वैक्सीन लगाने का मामला, कोई सोच भी नहीं पाता था कि 6-7 महीना में 100 करोड़। यह असंभव काम को संभव कर प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। इसके लिए हम जितने कोरोना वॉरियर हैं उनका अभिनंदन भी हम लोग कर रहे हैं कि उनके बदौलत यह सफलता मिली और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में सफल हुआ।